खाटू वाले श्याम जी हालत खराब है तो खराब ही रहेगी, और अगर कहोगे पल्ले पल्ले है तो खराब भी होगी ना, तो उसको शर्म आ जाएगी। एक बार कैमरा में दिखाओ जरा भाई को, आशा रख पगली जाने के लिए तैयार में सौ बार जैसी शाम प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, वो खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है। किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं, पृथ्वी की सताही मेरे साथ गाओगे एक बार, और खाटू वाले श्याम जी ओ पंदा तेरा बाबा, ये वृंदावन जीत गया, ये बरसाना जीत गया, मथुरा वाले की बात सुनते हैं। खाटू वाले श्याम जी ओ बंदा तेरा बाबा जब चढ़ेगी श्याम बाबा, ये तालियां मेरे लिए नहीं बज रही, ये तालियां आपके लिए बज रही है, और जो बजाए ताली 12 महीने मनाने वाली शाम प्यारे की। होशियारपुर में चिंतपूर्णी माता का द्वार बना है, मैं ज्यादा लोगों को होशियारपुर में नहीं जानता, हमारे बड़े बाबूजी हैं विजय सांपला जी, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जैसा दरवाजा चिंतपूर्णी मैया का बना है, वैसा एक तोरण द्वार खाटू श्याम जी का भी होशियारपुर में। जब इसको आपने काशी कह दिया तो इसके चारों कोनों में चारों धाम हो जाने चाहिए, पर जिसने काशी कहा है, काशी कोई छोटी बात नहीं होती, पूरा भारत है हमारे पास, लेकिन एक ही काशी थी, लेकिन आप सबने, आप सबकी भक्ति ने इस पंजाब में एक काशी और दी जिसका नाम होशियारपुर। तो एक तोरण द्वार यहाँ भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चलो हाथ उठाकर गाना एक बार। फतेह तोरण द्वार की दिन रात करता है, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, अगली लाइन में आपसे सुनना चाहता हूँ, मुझको लगता पापा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता पापा मेरे साथ चलता है, जैसा जैसा बोलोगे वैसे हो जाओगे, ध्यान रखना, कहोगे ना हालत खराब है तो खराब ही रहेगी, और अगर कहोगे पल्ले पल्ले है तो खराब भी होगी ना, तो उसको शर्म आ जाएगी, कितनी खराब कर रखी है फिर भी बल्ले बल्ले बोलता है, किस किस की बल्ले बल्ले है? एक कसम खाओ मेरे साथ, बोलो मैं
ओनू मैं कहना है खाटू वाले कृपा नाल साड़ी मौज हुई की सरकार तेरे साथ करता है मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है वो चित्र लगाकर बाबा को इजहार करता है और ये यहाँ से लेके दो पीछे तक जो स्टैंड पर बैठे हैं एक एक पूरे मचना चाहिए जो अजब नहीं है सरकार के नाम का नशा है। यहाँ की जवानी अगर नशा करती है तो बालाजी के नाम का नशा करती है। कौन का नशा करता है बालाजी के नाम का? तो श्याम बाबा के नाम का नशा करता है। मैंने आपके साथ आपका भाई खड़ा हो दोस्त खड़ा हो तो उसको कहना और अगर आपके साथ आपकी सहेली बैठी है या बहन बैठी है तो उसको कहना आशा रख पगली बालाजी महाराज मैं आपकी कसम नहीं खा सकता मगर आप भजनों के रसिया हो। आज होशियारपुर में जो उठाए गए हाथ इनके घर श्याम बाबा का कीर्तन होना चाहिए। अगर बजाए ताली 12 महीने बना दी वाली आपने कहना श्याम बाबा क्या कहना है आवाज नहीं है क्या कहना है आवाज नहीं है क्या कहना है मेरी झोली भरी दीजिए रखा भरी दीजिए मेरी झोली छोड़ना फिर बोलना जब भी तेरे दर पे सर को मैं चुका हूँ
सबे दिना का तेरा हाथ पकड़ो कोई बिल्ला लचके कोई काम करे कोई बिल्ला लचके कोई काम करे वो झोली भरने का बाप नजर आता है वो झोली भरने का बाप नजर आता है मेरे घर आपकी भी झोली भरी है तो एक बार कमाही देनी पड़ेगी झोली भरने में बाबा शाम देर न करे झोली भरने में बाबा शाम देर न करे झोली भरने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हजार कमाते थे करोड़ कमाने लग गए झोली भरने का मतलब है कि एक यार मिल गया जिसको अपने दिल की बात कह सकते होशियारपुर की लाइटों पे आप मोटरसाइकिल में खड़े हो और बगल वाला महंगी गाड़ी में बैठा है तो ये मत सोच लेना वो सुखी ही होगा हो सकता है तो चार गोलियां खा के सोता हो और आप चार रोटियां खा के सोते हो जो लोग कीर्तन में आते हैं ना मैं तावे से कह रहा हूँ जो लोग कीर्तन की रात में आते हैं वो अस्पतालों में रातें नहीं काटा करते हैं